ना कॉल किया ना मैसेज का जवाब दिया, बस गायब हो गया। हाँ ये उसकी आदत है। उसने तुमसे भी बात नहीं किया? सैम ने? नहीं। पोस्टकार्ड तक नहीं भेजा? नहीं, ना कोई पोस्टकार्ड, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, कुछ भी नहीं। देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे बीच क्या हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हम सोना ढूंढे तो हमें सैम भी मिल जाएगा। क्या कहते हैं? वो बचपन में मुझे छोड़ के गया था। कभी कभार कॉल करता था, वापस आने का वादा करता था, लेकिन आया नहीं। मैं जिस सैम को जानता था वो बहुत पहले गुम हो गया था। तो नहीं, तुम किसी और को ढूंढ लो प्लीज। हद है, सोचा था इसे तो पटा ही लूंगा। काश तुम यहां होते भाई। दुनिया में कई अजूबे हैं जो तुमने नहीं देखे, मगर देखोगे जरूर, मेरा वादा है। कब निकलना है? जल्दी एक ऑक्शन होने वाला है, स्पैनिश रेनेसांस के आर्ट और आर्टिफैक्ट्स के आज तक के सबसे बड़े कलेक्शन का ऑक्शन। उसमें बिकने वाली एक चीज है ला क्रूज डेला आमंडार, लेकिन वो कोई क्रॉस नहीं, एक चाबी है। इससे वो दरवाजा खुलेगा जहां उन 18 लोगों ने सोना छुपाया था। बढ़िया है, लेकिन कहानी के मुताबिक उस जगह की दो चाबियां थी, एक कैप्टन के पास और एक क्रू के पास, ताकि कोई भी अकेला सारा सोना चुरा कर भाग न जाए। एक चाबी का क्या हम अचार डालेंगे? बचपन में किताबी कीड़े थे, इतना सब कुछ याद कैसे रहता है। खैर बात यह है कि मेरे पास कैप्टन की चाबी है और दूसरी चाबी वहां है। ये ऑगस्टीन, ये ऑक्शन हाउस है, इसमें जाना मुश्किल है लेकिन मैंने जुगाड़ कर लिया। देखो तुम्हें बस ऑक्शन के दौरान बत्ती गुल करनी है, उससे मेन अलार्म बजेगा और बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा, और मैं वहां की बत्ती गुल कैसे करूंगा? खुद सोचो, फ्यूज उड़ाओ या मेन स्विच से चिपक जाओ, सब मैं बताऊंगा तो तुम क्या मलाई खाओगे? अरे मलाई से आधा है, तुमने बताया नहीं मुझे कितनी मलाई मिलेगी। 50-50 होगा ना हमारे बीच। 50? तुम्हें आधा सोना दूं? हाँ। बावले हो क्या? मेरी जिंदगी भर की मेहनत है ये, तुम्हें 10% मिलेगा, वो भी क्योंकि मैं दरिया दिल। ऐसा दिल दरिया में डाल दो। बच्चे हो, इतने सोने का क्या करोगे? से कुश्ती लड़ रहे हो? समझ ही नहीं आ रहा कैसे बांधू, दोनों हिस्से छोटे बड़े हो रहे हैं। दिखाओ
बात नहीं आती है? डैड नेवी में थे, आंख बंद करके एक हाथ से कर सकता हूँ। तुम भी तो नेवी में थे, सुना है निकाल दिया था तुम्हें। होमवर्क करके आया हूँ। करना पड़ता है। मैं हेलीकॉप्टर पायलट था, बगदाद के एक म्यूजियम से आर्टिफैक्ट्स बचा कर ले जा रहा था, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। नेवी ने गुस्से में मुझे निकाल दिया। सरासर नाइंसाफी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा, बचा रहे थे, बोल दो ना चोरी कर रहे थे। देखो, अगर मैं उन्हें नहीं लेता तो कोई और ले जाता। तुम्हें ये चाहिए था ना? थैंक यू। और बिल्ली का क्या करोगे? ओ, ये बिल्ली, ये तुम्हारे लिए। क्या? हाँ, तुम्हारी लाइफ काफी बोरिंग लगती है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बवाल नहीं पाल सकता, ये मेरा पूरा घर गंदा कर देगी। ये लोग नौटंकी करने वालों को देखते ही पहचान जाते हैं। तुम्हें अपने झूठ पर खुद यकीन करना होगा। तुम अमीर हो, इन्हीं में से एक हो, या बच्चों की तरह बबल गम खाते रहो। क्या यार? अरे, ये मेरा स्टाइल है। बेकार स्टाइल है, इसे कान में लगा लो। अरे वाह। हेलो हेलो, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बगल में बैठा हूँ। अरे यार, शायद मैंने इसे ज्यादा अंदर डाल दिया, कुछ होगा तो नहीं। लेट्स गो। क्या गाड़ी है यार, बहुत महंगी हुई। नहीं गए काम से। सैंटियागो मोनकाडा, हाउस ऑफ मोनकाडा वाला। हाँ, इसे लगता है उस क्रॉस पे इसका हक है। अगर क्रॉस चुराने से पहले इसने खरीद लिया तो सोना भूल जा। वेलकम सर, कहिए क्या लेंगे? मुझे एक मार्टिनी देना प्लीज। ओके सर। मार्टिनी? क्यों, प्रॉब्लम है? बबल गम के साथ अच्छी लगेगी। एक्चुअली